हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ 6 इंच के पाइप में मल्टी लेयर वेल्डिंग 6G पोजीशन में कैसे मारे। तो दोस्तों, जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालेगा आप लोग के पास पहुँचेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिलअप करने के बाद से अच्छी तरह से पूरी अच्छी तरह से ग्राइंडिंग कर ले दोनों साइड से, मस्त चारों साइड से ग्राइंडिंग करने के बाद से जो पहला लेयर मारते हैं थोड़ा मोटा मारते हैं। रखना है पहला लेयर जो मारेंगे वो थोड़ा मोटा मारेंगे, होल्डर को आराम आराम से रोक रोक के चलेंगे, ताकि मोटा होगा तो दूसरा लेयर उठाने में कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होगी। और बार बार स्टार्टिंग पॉइंट पर ग्राइंडिंग कर लें ताकि स्टार्टिंग पॉइंट देखे नहीं। चलिए, वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो डालूँगा तो आप लोगों के पास जरूर आएगा। गाइस, पहले लेयर पूरा हो गया तो दूसरा लेयर अब मारने से पहले थोड़ा लाइनिंग बना ले, ग्राइंडिंग अच्छा से कर ले, ताकि इसमें वेल्डिंग अच्छा से बैठे। तो चलिए, वीडियो तो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो में बने रहिए। और जो नए मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालेगा आप लोग के पास पहुँचे। चलिए, लास्ट तक जरूर देखिए। थैंक यू भाई। दोस्तों, ये देखते हैं जब मल्टी लेयर कैसा बैठा है, ठीक ठाक बैठा है कि नहीं। दोस्तों, ये अंदर अगर उड़े तो वायर ब्रश थोड़ा मार लेंगे अच्छा से, ये थोड़ा क्लीन दिखेगा। और देखिए कितना मस्त बैठा है वेल्डिंग। तो दोस्तों, जो नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जितने वीडियो डालेगा आप लोग के पास पहुँचेगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।